माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फू। फ्रेंड्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमारे फ्रेंड है, ठीक है, और फू यानी कोई दुश्मन, कोई एनिमी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या फिर बेनिफिशियल नहीं है, उसके बेसिस पे ये चैप्टर है। सबसे पहले तो छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नॉर्मली देख नहीं पाते, ठीक है, देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास जिनको हम बिल्कुल भी देख नहीं पाते नेकेड आइज से। मतलब हम उनको माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से फिर भी देख सकते हैं, बट नॉर्मल आइज के साथ उनको देखना मुश्किल है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। अब जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है, घीली ब्रेड होती है, वो कई बार ख़राब हो जाती है और उसके ऊपर ग्रेइश वाइट कलर के पैचेज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपको तो लग रहा होगा कि वो आप देख पाते हो, बट उसके अंदर मिलियंस में छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको मैग्नीफाइड ग्लास से देखोगे तो आपको ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर दिखेंगे। नाउ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये काफ़ी साइज में छोटे होते हैं कई बार। लाइक दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज कि नॉर्मली अनएडेड आए, बिना किसी चीज़ के हम उनको नहीं देख पाते, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कई बार ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वायरस भी इसमें है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, उसको हम बिना किसी चीज़ के नहीं देख सकते, लेकिन वो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट कैसे हैं? अगर हम देखें तो जो वायरस होता है वो तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है, तभी वो नंबर्स में बढ़ सकता है जब वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो। मतलब कोई इंडिविजुअल है, जब तक उसकी बॉडी के बाहर वो वायरस है वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे ही वो बॉडी के अंदर गया वो फटाफट से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना, जब कोरोना वायरस जैसे अब चल रहा है कि सरफेस वगैरह पे तो वो डेड होंगे, बट जैसे ही उसको टच करके हम लोगों ने अगर अपने मुंह पे या आईज पे लगा लिया तो बिल्कुल वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं और हमारी बॉडी में एंटर करते ही वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी बीमारियाँ जो वायरस की वजह से होती हैं, जैसे कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ, मतलब कई बार खांसी वगैरह, ये सब मोस्टली वायरस की वजह से होती है। कोरोना वायरस से पहले नॉर्मली लोगों को वायरल फीवर होता था जो अपने आप ही 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता था, ठीक है। कई डिजीजेस जैसे कि पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से होती है। और वायरसेस का कोई जिसे कहते हैं ना कोई इलाज नहीं है, वो अपने आप ठीक होते हैं, बस उनके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके लिए जब वो हो जाए, जब तक वो बीमारी हो जाए उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता। लाइक HIV आपने सुना होगा, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वायरस। नाउ कुछ बीमारियाँ जैसे कि डायसेंट्री एंड मलेरिया, ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। और टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB जैसी बीमारियाँ बैक्टीरियल डिजीजेस की वजह से होती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम हर कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक बार उनको ऊपर से देखते हैं। बट इस चैप्टर में मोस्टली आपको क्या पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ क्या है, या फिर अगर वो नुकसान दे रहे हैं, अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो क्यों नहीं। नाउ ये जो फ़ोटो है ये बैक्टीरिया की फ़ोटो है, आप देख सकते हो। और उसके बाद हर किसी की फ़ोटो डाली है। एल्गी में उन्होंने क्लेमाटोमोनास और स्पायरोगायरा की फ़ोटो डाली है। प्रोटोजोआ में अमेबा एंड पैरामीशियम की फ़ोटो डाली है। और फंजाई में पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड एंड एस्परगिलस, इन सब की फ़ोटो डाली गई है, ठीक है। तो ये सब भी अलग अलग बीमारियां करते हैं। नाउ अगर कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहां पर हैं, ये सिंगल सेल हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया में, कुछ एल्गी में और प्रोटोजोआ में, या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे एल्गी और फंजाई में। मतलब बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ कुछ होते हैं जो सिंगल सेलुलर होते हैं और कुछ एल्गी एंड फंजाई मल्टी सेलुलर। ये हर तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, डिपेंड करता है कि बहुत ठंडी जगह भी आपको मिल जाएंगे, बहुत हॉट स्प्रिंग्स मतलब जहाँ बहुत ही गर्म पानी और जो गर्म इन्वायरमेंट होता है वहाँ भी मिल जाएंगे। डेजर्ट में, मार्शी लैंड्स में भी ये मिल जाएंगे। मार्शी मतलब जहाँ पे मिथेन वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वैसे एरियाज़ में ये मिलेंगे। जहाँ पानी स्टॉक होता है, पानी काफ़ी भरा होता है, वहाँ मिल जाएंगे। और इंसानों की, एनिमल्स की बॉडी में दे कैन बी फाउंड, वहाँ पर भी ये मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे बहुत ही आराम से मतलब फलते फूलते जिंदा रहते हैं।
सो ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, किस तरह के होते हैं, किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं। आई जस्ट शेयर इट जस्ट अ मिनट। ये रहा, जैसे कर्ड और ब्रेड, ये सारे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है। उसके अलावा डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाइए, 8th साइंस की प्लेलिस्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंगली जो और चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं वो सारे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे और चैप्टर हैं वहाँ पढ़ सकते हैं। 8th साइंस का जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल का, नीचे बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप 8th क्लास के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।